चलिए आज पोहा बनाते हैं। मैं एक कप बनाऊंगा, एक कप बहुत हो जाएगा। ऐसा धो लेंगे, इसको पूरा गीला नहीं करना है, बस धोना है ताकि पानी थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। मैं यहाँ पे थिक पोहा यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो थिन भी कर सकते हैं, जो थिन मिलता है बाजार में। तो तेल जब गर्म हो जाए इसमें हम पहले आलू छोड़ेंगे। ये एक आलू है, एक मीडियम साइज़ का। ये मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट बंगाली में इसको काकरोल बोलते हैं। ये करेले की तरह दिखता है बट कड़वा नहीं होता है, अगर आपको पता है तो ठीक हेल्प कर दीजिए। छोटा सा था, इतना साइज़ का छोटा छोटा, तो वो खराब हो जाता मैं अगर यूज़ ना करता तो मैं डाल दिया। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो सिर्फ आलू और प्याज और ये शिमला मिर्च है हाफ, उससे बना सकते हैं। ठीक है, मसाले में मैं दे रहा हूँ खड़ा जीरा, साबुत जीरा हाफ चम्मच, चीनी जाएगा, मैं बंगाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा टमाटर भी दे रहा हूँ तो थोड़ा सा चीनी लगेगा एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। अभी हम नमक दे देंगे स्वाद अनुसार। ठीक है, आलू में कलर आ गया है तो ही मैं दूंगा प्याज, शिमला मिर्च, चिली, चिली को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिर्च, सॉरी फॉर गॉट। फिर ये मैंने डीप फ्रीज में नारियल को काट के रख दिया था ताकि मतलब जब मुझे चाहिए तो मैं निकाल के जितना भी चाहिए यूज़ कर सकूँ। मेनली मैं इसको यूज़ करता हूँ ग्राइंडिंग के लिए, मिक्सर में डाल के, बट चॉपिंग भी अच्छे से हो जाता है। और नारियल का स्वाद अब जैसे नारियल डालेंगे, अगर अच्छा नारियल डालें तो वैसा ही रहता है, अगर बुरा नारियल डालें तो वो बुरा ही रहेगा, मतलब ख़राब नहीं, उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो ये कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, और स्वाद के लिए ये जीरा है, धनिया थोड़ा सा। आपका रेसिपी आप खाने वाले हैं, आपके अनुसार बनिएगा, मैं बस दिखा रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। थोड़ा सा चला के कलर आ गया है, सब कुछ कुक हो गया है अच्छे तरीके से, तो इसको इसमें डालना है। ये क्या है, कागज, न्यूज़पेपर, और इसको मिला देना है। और मेरे स्टाइल का पोहा बन के रेडी हो गया। अच्छा, इसको लास्ट में डालना है और मिला देना है। अगर आपको कच्चा टमाटर पसंद नहीं है तो आप पहले भी डाल सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, डालने का ज़रूरत नहीं है। बट सॉरी, ये सर्व करता है 3 लोगों को, अगर आप नॉर्मली खाते हैं तो, नॉर्मल पोर्शंस में। अगर आप मेरे तरह खाते हैं तो ये 2 लोगों को सर्व करेगा, अगर आप सब खाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट सर्व ट्राई कीजिए और कमेंट से लिखिएगा पसंद आया कि नहीं और क्या ऐड करना चाहिए और आप कैसे बनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बातें करते हैं। बाय। सो गुड बाय।